नमस्कार दोस्तों, ठंड का मौसम शुरू हो गया भाई। कपास का खेत दिखाता हूँ भाई। हमने एक बार चुगाई कर ली कपास की, और इब तक कपास में 50% मान लो चुगाई हो चुकी है। एक एक पेड़ बद है। दो तीन दिन पहला भाई यह बारिश हुई, ठंड भी बढ़ा दी उसने। अरे देखो बारिश में कपास में नुकसान भी हो जानू। देखो यो जो खिल रहा था खराब हो जाओ बिल्कुल, पत्ते झड़न लाग ले हैं। इतने 10 दिन में और कपास की चुगाई सारी पूरी हो जाएगी। सुंडी का भी प्रकोप हो गया था भाई कपास में की बारे। जो यो फलाना था इसने कीड़ा खा गया था। ये भाई जैसे देखो तीन में तो यो फला रहा अच्छा, और एक जो यो कीड़े ने भी पूरा बर्बाद कर रखा है। यो लगभग 20-30% जो किले में तो पैदावार थी वह खराब हो गई है। यो अपने एरिया में तो फिर भी थोड़ा कम प्रभाव दिखा इस बीमारी का, क्योंकि आड़त थोड़ी कपास बो रखी थी। और फिर जैसे पता चला था हमने, जैसे फिर इसके बाद तुरंत स्प्रे भी कर दिया था इसका सुंडी का। पर और एरिया में पता चला भाई आधी आधी से ज़्यादा ही कपास खराब होगी, क्योंकि बारिश में पानी भी खड़ा था उनके खेता में। और उनने जब तक ये डोडा खुल है ना, जब पता चल रहा है कि वो कीड़े ने नुकसान कर रखा है। यो ऊपरले किले में रोड निचले में तो नुमानो आधी से ज्यादा कपास चुगी जाली है। इनके पत्ते पहला है झड़ लिए थे जिस तरह गाम ज्यादा आया, ज़्यादा फल उतर लिया है। बाकी टाइम भी आ रहा है, इतने 15 नवंबर के आसपास तो गेहूँ की बुआई शुरू हो जाएगी। 15-20 दिन और बच रहे हैं। पर वो देखो इसमें दिखाता हूँ आपने, इस किले मतलब कपास ज़्यादा पत्ते ले रही थी और लंबाई भी ज़्यादा हो रही थी पेड़ा की। इसमें कम फल खिला है भाई। अब इसके पत्ते नीचे गिरन लग लिए हैं, अब इसमें भी खुल जाएंगे आराम आराम से। ये दो दिन पहला बारिश हुई भाई, उसने भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया दाना की खेती में। मतलब दाना आए खड़े थे, 3-4 दिन में कटने वाले थे बस, और सारे गिर गए। तेज हवा चली और बारिश को भाई बिल्कुल आ रहे हैं दाने। और 2 दिन पहला बारिश होगी, धान गिर भी गए, भी काटते वक्त भी दिक्कत देंगे। और जो थोड़े पछेते धान लगा रखे हैं जिनने, उनके अगर गिर गए तो उनका जो दाना होगा वो भी अच्छा नहीं बनाई खड़ा होता था, सही दाना बनता। ये धान भी बहुत बुरे पड़ गए भाई, पानी दे रखा था इनमें हमने और बारिश आ गई उस दिन। और कोई इधर और कोई उधर लोट पोट हो गए, पानी खड़ा भाई में, पानी निकालने का ही रास्ता नहीं है। बाकी अब तो मौसम साफ दिखा रहे हैं, सूख जा एक दो दिन में पानी आ रहे हैं बिल्कुल। ये भी देखो सत्रह अठारह है भाई, ये बासमती 17-18। यो भी भाई 17-18 का है, आधा किला काट दिया था कल शाम ने। आज वो आग लग रहे हैं, कल आज काट देंगे उन्हें भी, कल झाड़ेंगे फिर इन्हें।